प्रभु के सेवक मूसा की मृत्यु के बाद प्रभु ने मूसा के सहायक नून के पुत्र योशुआ से यह कहा, मेरे सेवक मूसा की मृत्यु हो चुकी है, अब तुम सब लोगों के साथ यहां से रवाना होकर यर्दन पार करो और उस देश में प्रवेश करो जिसे मैं इसराइलियों को दे रहा हूं। जिन जिन स्थानों पर तुम पैर रखोगे मैं उन्हें तुम्हें देता जाऊंगा, जैसी कि मैंने मूसा से प्रतिज्ञा की। उजाड़ खंड और लेबनान से लेकर महानदी फरात तक, हित्तियों का सारा देश जो पश्चिम में महासमुद्र तक फैला हुआ है तुम्हारा देश होगा। जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, क्योंकि तुम उस देश पर इन लोगों का अधिकार कराओगे जिसे मैंने इनके पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, जो संहिता मेरे सेवक मूसा ने तुमको दी है उसका सावधानी से पूरा पूरा पालन करो। उससे तुम ना बाएं भटको और ना दाहिने, इससे तुम्हारा सर्वत्र कल्याण होगा। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। क्या मैंने तुमसे या नहीं कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो? तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। तब योशुआ ने लोगों के अधिकारियों को यह आदेश दिया, शिविर में चारों ओर घूमकर लोगों से कहो कि वे रसद का प्रबंध करें, क्योंकि उन्हें 3 दिन के अंदर उस देश को अपने अधिकार में करने के लिए यर्दन पार करना होगा जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में देने वाला है। रूबेन और गाद वंश तथा मनस्से के आधे वंश के लोगों से योशुआ ने यह कहा, प्रभु के सेवक मूसा द्वारा अपने को दिया हुआ यह आदेश याद रखो कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें विश्राम करने के लिए यह आदेश दिया है। तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पशु इस देश में ही रहे जिसे मूसा ने तुम्हें यर्दन के इस पार दिया है, किंतु तुम्हारे सब योद्धा अस्त्र शस्त्र के साथ तुम्हारे अन्य भाइयों के आगे आगे पार चले और तब तक उनकी सहायता करते रहें जब तक प्रभु उन्हें विश्राम करने का स्थान ना दे, जैसा कि उसने तुम्हारे लिए किया है, और जब तक वे भी उस देश पर अधिकार ना करें जिसे प्रभु उन्हें देने वाला है। इसके बाद तुम लौटकर अपने देश में रहो जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने तुम्हें यर्दन के पूर्व में दिया है। तब उन्होंने योशुआ को उत्तर दिया, आपने जो कुछ हमसे कहा हम उसे पूरा करेंगे, और आप जहां भी हमें भेजेंगे हम वहां जाएंगे। हम आपकी बात उसी प्रकार मानेंगे जिस प्रकार हमने मूसा की सारी बातें मानी हैं। प्रभु आपका ईश्वर आपके साथ वैसा ही बना रहे जैसे वह मूसा के साथ रहा। जो आपके विरुद्ध विद्रोह करेगा और आपके किसी भी आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आप दृढ़ बने रहे और ढारस रखें।